मुझे नहीं पता कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, कम अंक वालों को नियुक्ति मिल गई है और हमको ज़्यादा अंक लाके भी नियुक्ति नहीं मिली है, कि कम नंबर वाला, हमसे कम नंबर वाला दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है और आज हम लोग ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद होल्ड पर है। भोपाल में बेरोजगारी के खिलाफ चयनित सब इंजीनियर्स का पढ़ाई सत्याग्रह आज से शुरू हो गया है। पढ़ाई सत्याग्रह में अभ्यर्थी कटोरा और किताब के साथ प्रदर्शन करेंगे। पढ़ाई सत्याग्रह में अभ्यर्थी आमरण अनशन भी करेंगे। पढ़ाई सत्याग्रह में मेरिट की अर्थी भी निकाली जाएगी। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अभ्यर्थी इस आमरण अनशन में शामिल होंगे। बीते 4 अगस्त को रोशनपुरा चौराहे पर सब इंजीनियर्स और डॉक्टरों ने मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के बाद सीएम हाउस पहुंचकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी को ज्ञापन भी सौंपा था। 4 अगस्त को दिए गए ज्ञापन के बाद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर एक बार फिर ये लोग प्रदर्शन पर आतुर हो गए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी श्रीवास्त्री है। मैं सिवनी से हूँ। मेरा सिलेक्शन सब इंजीनियर परीक्षा में हुआ था और मैं आपको ये अपना रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगी। ये मेरा रिजल्ट है। मेरी मेरिट आई थी 14 PHE डिपार्टमेंट में और ये मेरा DV लेटर, हमारा DV भी हो चुका था। ये मेरा DV लेटर है और हमारा सब DV हो चुका था। उसके बाद जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो ये लोगों ने हमें रोक दिया और हम सबके ज़्यादा नंबर है, हमारा अन्य डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन हो सकता था पर हमें रिजर्वेशन का हवाला देके ये लोग रोक रहे हैं। और ये बताइए कि कहाँ तक ये सही है कि कम नंबर वाला, हमसे कम नंबर वाला दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है और आज हम लोग ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद होल्ड पर है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि जब कम नंबर वालों को आपने ज्वाइनिंग दे दी तो हम ज़्यादा नंबर वालों को भी आप ज्वाइनिंग दीजिए। हम डिपार्टमेंट जाते हैं, डिपार्टमेंट में बोल देते हैं कि आप GAD से बात कीजिए, GAD जाते तो वो डिपार्टमेंट, ये लोग बस घुमा रहे हैं हम लोगों को और कुछ नहीं कर रहे, और तो और कोर्ट का भी हवाला देते हैं ये लोग। आगे हम लोग यही प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, जो CM है, वो हमारी बात सुने और हमें भी नियुक्ति दी जाए, और नहीं तो फिर ये प्रदर्शन ऐसा चलता रहेगा, धरना देते रहेंगे। सब दूर दूर से आए हैं सर, 400-500 किलोमीटर दूर से। मैं सिवनी से आई हूँ, 400 किलोमीटर दूर से आई हूँ। बालाघाट से लोग आए हैं, 500 किलोमीटर दूर से। तो ऐसे सब अलग अलग ज़िले से आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले से लोग आए हैं जी। हमको नियुक्ति चाहिए, हमारी एक ही मांग है कि हमको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम ज़्यादा नंबर होते हुए भी हमको नियुक्ति नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, कम अंक वालों को नियुक्ति मिल गई है और हमको ज़्यादा अंक लाके भी नियुक्ति नहीं मिली है। अब ये सरकार अंदर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने कम मार्क्स वालों को नियुक्ति दी है और हमको नहीं दी। हमारी बस एक ही मांग है कि हमको नियुक्ति चाहिए। देखिए, हमारी थीम है एक पढ़ाई सत्याग्रह। देखिए, हमारे घर वालों ने हमको बड़े मेहनत से पढ़ाया है और अभी भी ये जो हमारी नियुक्ति थी उसके चक्कर में हम बैठे थे कि हमको अब नियुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी भी नियुक्ति नहीं मिली है। लेकिन हमको अपने आगे के एग्जाम पे भी फोकस करना है, क्योंकि हम वो भी नहीं गवा सकते। इतना सारा टाइम तो वेस्ट कर ही दिया है हमारा सरकार ने, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ, हम मानसिक प्रताड़ना को भी झेल रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ाई सत्याग्रह थीम इसीलिए रखा है क्योंकि हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको अच्छे नंबर ला के भी, चयनित हो के भी आगे पढ़ाई करना पड़ रहा है और भीख मांगना पड़ रहा है। मेरा नाम अर्णोदय सिंह परमार।